देखिए जिंदगी में केवल ताकतवर होना इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज आप ओपोनेंट की तुलना में कितने ताकतवर मानते हैं। मेरी बात, लड़ाई जीतने में आपका खुद का ताकत इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके ओपोनेंट के कंपैरिजन में आपकी ताकत कितनी ज्यादा है, ज्यादा होगा तब युद्ध में ज्यादा जीतोगे, राइट? सो द कॉन्सेप्ट इज नॉट एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, इट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ कि जागरण अमर उजाला की तुलना में कितना आगे है। क्लियर? और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे आप पता लगाओगे? आपने कल लीडरशिप डेटा देखा है जहां पर टारगेट ग्रुप में रीच क्या है, प्रोडक्ट लिंकेज के थ्रू से जैसे हमने पोटेंशियल निकाला था गाड़ी के लिए, फिर अदर डेटा में देखिए एडेक्स में क्या शेयर है, इसका मतलब है कि अगर हम ज्यादा शेयर है मतलब अलग ब्रांड हमें यूज कर रही है, इंटरनल एमआईएस एंड फाइनली सर्कुलेशन डेटा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रीडरशिप में आप पीछे हैं, लेकिन उस ज्योग्राफी में एक स्पेसिफिक जगह पे ब्रांड इज इंटरेस्टेड, वहां पर शायद आप सर्कुलेशन में ज्यादा हो, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात कि किस तरह से आपको सोचना पड़ेगा? और आप लोग अधिकतर लोग यहां पर मैनेजर्स हो, आप लोगों को अपनी टीम को इस तरह से सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चार्ट का सिग्निफिकेंस आप समझ पा रहे हो? इट इज अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड नॉट एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। मतलब आप समझ गए?